आज 4 मई के दिन हमारे पास शाम में नियर चौक मेडिकल कॉलेज से जो टेस्टिंग की रिपोर्ट भेजी थी, उसमें से एक व्यक्ति जो जोगिंदनगर एरिया से बिलोंग करता है, सब तहसील मकरेड़ी से, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोरोना वायरस के लिए। उसके पश्चात हमने आदेश एसडीएम को दे दिए हैं और एसडीएम वहाँ पर पूरी एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, उसके अनुसार उस पूरे एरिया को जहाँ पर उसका घर है और 3 किलोमीटर के रेडियस में इस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा, जिसमें कि कोई भी मूवमेंट अब आने वाले दिनों में वहाँ पर नहीं हो पाएगी। उसके अलावा 2 किलोमीटर का अन्य जो रेडियस है उसके बाहर का, उसको बफर जोन घोषित किया जाएगा। वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगी इस पूरे एरिया को कंटेन करने के लिए। अब हमारा टारगेट रहेगा कि वहाँ से उसका स्प्रेड ना हो और वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग हमारी शुरू हो जाएगी। जो टीम्स गठित की गई है, जिसमें कि पुलिस की टीम है, मेडिकल डिपार्टमेंट की है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, ये सब मिलकर वहाँ पर कांटेक्ट ट्रेसिंग करेंगे। उस व्यक्ति का किन किन लोगों के साथ संपर्क आया है, कौन से लोगों से पूछा जाएगा कि आपका उस व्यक्ति के साथ संपर्क आया है नहीं आया, और उसके आधार पे उनकी सैंपलिंग ली जाएगी। उनको सभी को स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा, सैंपलिंग ली जाएगी और सैंपल के रिजल्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये जो व्यक्ति आया है, ये जो प्रिलिमिनरी जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार ये दिल्ली से आया है। 29 ऑफ अप्रैल को ये यहाँ पर पहुँचा है अपने घर पे, और तब से उसने अपने आप को होम क्वारंटाइन में रखा है। हमारे टीम्स ने भी उसको मॉनिटर किया है। जब भी उसका टेम्परेचर आना शुरू हो गया था, उसके बाद उसका सैंपल वहाँ से पिकअप किया था, क्योंकि हाई रिस्क में हमारे ये सब मॉनिटरिंग जो हमारा पूरा जिले में सिस्टम चला हुआ है, उसके अनुसार जितने भी लोग बाहर से आए उनको होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, और अगर उनमें कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उनके सैंपल्स कलेक्ट करके सैम्पलिंग की जा रही है। तो आगे की कार्रवाई भी उसके अनुसार की जाएगी। अभी जो इनिशियली पता चला है उसमें कि वो व्यक्ति जो है स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में रहा है, उसने अपने आप को ही आइसोलेट किया था। उसका ये भी कहना है कि उसका परिवार के साथ भी ज़्यादा कुछ मिलान नहीं हुआ है। अपने घर में वो अपने कमरे में आइसोलेट होके रह रहा था और किसी और के साथ भी उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। पर आने वाले दिनों में हम पूरी इसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करेंगे, दिल्ली से भी उसकी ट्रेस करेंगे कि कहाँ दिल्ली पर रहा है, और वहाँ की जानकारी कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर भेजी जाएगी।